तो अब हम टेंसेस पढ़ेंगे सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, उन बच्चों को आप फिर से रिवाइज कराते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छे से समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर से कर रहे हैं और आप अच्छे से फिर से समझो इसको, ओके। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था कि टेंस है ना, क्या टेंस होता क्या है, हमने सबसे पहले ये समझना है कि टेंस होता क्या है, क्या होता है टेंस, है ना। आप ये सभी आप नोट करो, जैसे मैं यहां पे आपको नोट करवा रहा हूं वैसे आपने नोट भी करना है, ठीक है। चलिए, तो शिव आप भी, आराध्या, मानवी, नंदनी, ठीक है, लव भी, ठीक है, आप सभी ने ये नोट करना है, ओके। अंकिता, टेंस होते क्या है पहले देखो, ओके, फ्यूचर बोलूंगा नोट करो तो आप उसको नोट कर लेना। टेंस क्या होता है बच्चे, टेंस होता है हमारा समय, है ना, एक समय होता है ना जिसको हम टाइम बोलते हैं, ठीक है, और हम इसको एक बोलते हैं कॉल, ओके, समय, टाइम और कॉल, ओके। अब समय क्या होता है, टाइम, टाइम कितने ग्राम का होता है सबको पता है, एक टाइम होता है जो हम अभी मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, ये कौन सा हो गया, एक टाइम हो रहा है पढ़ा रहा हूं, एक टाइम कौन सा होता है जो बीत चुका होता है, जो बीत चुका होता है, ओके। टेंस क्या होते हैं, समय, ठीक है, टाइम, तो एक टाइम कौन सा होता है जो अभी चल रहा है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये कौन सा है जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, वो कौन सा होता है, वो होता है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो अभी चल रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है, ओके, जो अभी चल रहा है, ठीक है, ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट टेंस, ओके, समझ में आ गया, प्रेजेंट टेंस कौन सा हो गया, जो अभी चल रहा है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप बैठे हो, ये अभी है ना, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाला कौन सा होता है, दूसरे वाला होता है पास्ट, ठीक है, अब पास्ट टेंस कौन सा होता है, जो बीत चुका है, ठीक है, जो चला गया है, चला गया मीन्स जो कल हो गया, जो सुबह आपने खाना खाया है ना, आप यहां पे आए, ये कौन सा हो गया, ये हो गया पास्ट टेंस, है ना, तो पास्ट क्या हो गया, जो बीत चुका है, ओके, बीत चुका है, ये कौन सा हो गया, पास्ट। तो एक कौन सा होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन सा, जो अभी चल रहा है, एक है जो बीत चुका है, बीत चुका मीन्स जो पहले हो चुका है, जैसे अभी आप आए, ये पास्ट की बात होगी, उसके सुबह आपने खाना खाया, ये भी पास्ट की बात होगी, आप रात को सोए, ये भी पास्ट की बात होगी, कल आपका रिजल्ट आया, ये भी पास्ट की बात होगी, है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पास्ट वाली बात, जो हमने, जो काम हमने कर लिया है, ओके, ठीक है। तो एक समय वो भी तो होता है जो कल आएगा, है ना, जो कल आएगा उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर, सिंपल, ओके, फ्यूचर क्या हो गया, जो समय आएगा, हम घर जाएंगे, हम कल वापिस आएंगे, हम खाना घर जाके खाएंगे, ठीक है, आप घर जाके पढ़ोगे, ठीक है, ये कौन सा हो गया, फ्यूचर, ठीक है, तो मतलब आने वाला कल, कौन सा, आने वाला कल, आने वाला समय लिख दो, ठीक है, समय, जो समय आएगा, जो समय आएगा, कब आएगा, जो अभी, जो हम प्रेजेंट में, इसके आने वाला समय है ना, 5 मिनट के बाद आप घर जाओगे ना अभी, तो फ्यूचर की बात हो जाएगी, मैं घर जाऊंगा, मैं शाम को खाना खाऊंगा, मैं कल वापिस आऊंगा, है ना, ये क्या हो गया, ये सब फ्यूचर वाली बात होगी, ओके, समझ में आया। फिर से देखो, हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा टेंस, टेंस के बाद टेंस होता क्या, टेंस होता है समय, टाइम, ठीक है, और टाइम कितने तरह का होते हैं वो भी हमने पढ़े, टाइम होते हैं तीन तरह के, प्रेजेंट, प्रेजेंट मींस जो अभी चल रहा है, पास्ट मींस जो बीत चुका है, फ्यूचर मींस जो आने वाला है, ये हो गए तीन, आई समझ में सभी को, किसी को कुछ डाउट, ओके। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आप जो नया जो पढ़ने जा रहे हैं उसको देखो पहले समझ लो, जो ये होगी समय की बात, अब हम कौन सा समय किस टाइम कर रहे हैं वो भी तो है ना, कार्य भी कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं हम, है ना, अब काम कैसे, एक काम होता है जो हो चुका होता है ना, जैसे मैंने ये, मैं ये लिख चुका हूं, ओके,
परफेक्ट है ये, मतलब लिख चुका हूँ आपको पता है, सामने दिख रहा है ना, लिख चुका हूँ मैं। ओके एक कौन सा है, मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये क्या हो रहा है, काम लगातार हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है ये काम, मैं बोल रहा हूँ मीन्स मैं काम कर रहा हूँ, आई समझ। ओके तो एक होता है जो हमें पता नहीं होता है, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट में डिफरेंस समझो। डेफिनेट क्या होता है, ये एक मार्कर है, डेफिनेट है, मुझे पता है ये मार्कर है ना। अब मैं बोलूं यार वो वाला मार्कर ब्लू था या ब्लैक था, है ना, कंफ्यूजिंग, और मतलब हमें डेफिनेट नहीं पता, वो हमें इनडेफिनेट हो गया वो। ओके तो टेंसेस में हमने काम कौन से किए, एक हमने काम किया, देखो समय क्या है, समय है प्रेजेंट का, ठीक है, समय किसका है, प्रेजेंट का, और काम कौन सा हो रहा है, इनडेफिनेट। ओके समय तो प्रेजेंट का है लेकिन काम चल रहा है, जो काम चल रहा है मतलब ये कंटिन्यूस है ना, काम चल रहा है का मतलब भी क्या होता है, कंटिन्यूस। ओके तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके बाद इंडेफिनेट भी हो गया, कंटिन्यूस भी हो गया। अब एक जो काम हो चुका है ना, मैं ये लिख चुका हूं, लिख चुका का क्या होता है, परफेक्ट है, मुझे पता है ना लिख चुका हूं मैं, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट। ओके परफेक्ट, तो एक क्या होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस, समझ में आया, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगा। ओके तो क्या क्या पढ़ा हमने उसको समझो, सबसे पहले हमने पढ़ा टेंसेस, टेंसेस होते क्या हैं, टेंसेस होते हैं एक समय जो हमें किसी समय के बारे में बताते हैं, वो होते हैं टेंस। और समय क्या होता है, समय तो तीन तरह का होता है, एक समय होता है जो अभी चल रहा है, एक समय होता है जो बीत चुका है, एक समय होता है जो आने वाला समय है, तीन हो गए। ओके ठीक है, उसके बाद हमने किया, अब समय समय में कुछ काम भी तो हो रहा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं मतलब मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, है ना, पढ़ा रहा हूं मतलब कंटिन्यूस, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, मुझे डेफिनेट नहीं है लेकिन वो क्या हो गया, इनडेफिनेट। मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, मैं अभी पहले मैं अभी पढ़ा चुका हूं तो क्या हो गया, परफेक्ट, मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली, है ना, डेफिनेट है, मैं सुबह से पढ़ा चुका, है ना, सुबह से मतलब मॉर्निंग लग जाएगा, यहाँ पे टाइम मेंशन हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। इतना समझ में आया, ओके ये नोट कर लो। ओके तो अब आप देखो, अगर प्रेजेंट में टाइम, अगर प्रेजेंट में कार्य इंडेफिनेट है, प्रेजेंट में कार्य चल रहा है, प्रेजेंट में अगर कार्य परफेक्ट है, क्या पास्ट में भी होगा, पास्ट में भी काम चल रहा था, चल रहा था कल भी, हाँ कल भी मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, कल भी मैं खेल रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब है पास्ट भी कितने तरह का होगा, चार तरह का, कौन सा, एक होगा पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, तो वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट, ठीक है, दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके चलिए, तो ऐसे ही आपका फ्यूचर में भी होगा, ठीक है, तो ऐसे ही आपका फ्यूचर भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट भी होगा, ओके फ्यूचर कंटिन्यूस भी होगा, ओके फ्यूचर परफेक्ट भी होगा, ओके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी होगा, समझ में आया। फिर से एक बार देखो ध्यान से, टेंसेस क्या आते हैं, टेंसेस होता है एक समय जो हमें किसी भी समय के बारे में बताता है, ओके, और समय में कुछ काम भी हो रहे होते हैं, मैं जैसे आज पढ़ा रहा हूं, मैं कल भी पढ़ा रहा था, काम क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ाने का कर रहा हूं, लेकिन कल कर किया कब, कल किया, पढ़ाने का काम कर रहा हूंगा कब कर रहा हूंगा, भाई कल भी तो करूंगा ना मैं पढ़ाने का काम, तो सिंपल है, इसका मतलब है तीन तरह के समय होते हैं, तीन तरह के टेंस होते हैं, तीन तरह के काल होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट मींस जो अभी चल रहा है, सेकंड टाइम का सेकंड कौन सा होता है, पास्ट, पास्ट मींस जो हो गया है, चला गया है, जो हमने काम कर लिया है, उसके बाद होता है
फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स जो हम काम करेंगे वो हम कल करेंगे, परसों करेंगे, ओके, जब भी करेंगे, चाहे 10 साल के बाद करेंगे, ठीक है, वो सब किस में आएगा? फ्यूचर में आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब देखिए जो प्रेजेंट में काम कितने तरह के थे? चार तरह के, चार टाइप्स बन गए उसकी। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर में भी होगा, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो आगे वाले भी करेंगे। तो आज हम सिर्फ टेंसेस की एक हमने किया इंट्रोडक्शन, और साथ में करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, हमने टेंसेस को समझ लिया और टेंसेस के जो भी फॉर्म्स टाइप्स जो थी उसको समझ लिया। तो अब हम पहले टेंस जो है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब हमने समझ लिया, इंडेफिनिट क्या था? जो चीज डेफिनेट नहीं है वो इंडेफिनिट है ना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके रूल को समझना। रूल मींस अब हम जो भी चीजें बनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है ना, अब रूल होगा है ना, तो रूल क्या होगा उसी को पढ़ते हैं। अगर आपने हिंदी में कोई भी सेंटेंस, अगर हिंदी में उसके लास्ट में क्या होता है, ता ते ती है ना, हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है जिस भी है ना, ऐसे होता ना, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं रोता हूँ, वह रोती है, वो खाती है, वह दौड़, वह दौड़ते हैं। समझ आया? ये सब किस में आता है? ये ताते ती, और इसका ये समझ आना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, अब इसको इंग्लिश में कैसे करना है वो हम देखते हैं। ओके, चलिए इंग्लिश में इसका क्या होगा। सबसे पहले हमारा एस और ई एस लगा होगा, ठीक है, एस और ई एस कब लगा होगा ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो रूल, एक हम इसका रूल लिखते हैं, और रूल लिखने के बाद सेंटेंस बनाते हैं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा, अच्छे से उसकी समझ आएगी। ओके, सबसे पहले क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट होता क्या है वो भी बताता हूँ। सब्जेक्ट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और एस और ई एस होगा, और होगा साथ में हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैं आपको एक सेंटेंस बना के देता हूं, ठीक है, मैं खाना खाता हूं। ओके, तो मैं, आई ईट, खाता हूं, क्या खाता हूं, फूड। ओके, इसमें अब आपको कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, मैं खाना खाता हूं, जब भी आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी होगी वर्ब की, तो आपने सिंपल आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, पहला बात तो ये कंफर्म है। ओके, ठीक है, अब आई क्या है, हमने यहां पे लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस मैं खाना खाता हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। ओके, मैं क्या हूं यहां पे, सब्जेक्ट हूं, मैं क्या खा रहा हूं, ठीक है, खाने को क्या होता है, खाना क्या होता है, वर्ब होता है ना, खाना है ना, खा रहा हूं है ना, वो क्या हो गया, वर्ब, वर्ब क्या होगी, ईट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो मैं खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, खाना, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे क्या आ गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, इन तीनों को जुड़ करके बन गया हमारा मैं खाना खाता हूं। समझ में आया? ओके, अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर आपने एस और एस भी लगाए थे, ये क्यों नहीं यूज किया है ना, ये हमने इसलिए यूज नहीं किया, एस और ई एस हम कब यूज करते हैं,
जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। जब अंकिता खाना खाती है, अंकिता भी यहाँ पे नहीं है, है ना, अंकिता घर पे है लेकिन अंकिता खाना खाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अंकिता की बात कर रहा हूँ, है ना। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा तब क्या लगेगा, एस और ई एस लगेगा। जैसे अंकिता ई ए टी के साथ लगा दो एस, अंकिता ईट्स फूड, ओके। अब यहां पे एस लग गया ना, यहां पे एस, ये देखिए अंकिता ईट्स फूड, वह खेलता है, ही प्लेज, लग गया एस। अगर मैं बोलूं वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, ओके। वह जाता है, ही गोज, ओके। वह जम्मू जाता है, ही गोज टू जम्मू, समझ में आ गया। वह आती है, और ही किसके लगाते हैं, लड़के के लिए, और लड़की के लिए, लड़की के लिए क्या लगाएंगे, शी, तो सिंपल शी कम्स, समझ में आया। तो ये क्या हमारा, ये हमारे प्रेजेंट इनडेफिनेट है, उसको पहले हिंदी में आइडेंटिफिकेशन दी, उसका रूल लिया, रूल के बाद हमने उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ओके। फिर हमने क्या यूज किया, एस और ई एस हमने यूज किया, ओके okay? इतना समझ में आया, यस सर, ओके। तो अब आपको समझना है, ये है हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट। अब ये भी तो होता है, मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खेलती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ, ये भी तो होता है ना। अब इसको क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस जो थे, ये थे हमारे अफर्मेटिव के, किसके, अफर्मेटिव के। अब इसको हमने नेगेटिव में भी बनाना है, तो नेगेटिव में कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, ओके। अब नेगेटिव में होगा क्या बच्चे, ये देखो यहां पे लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगेगा डू और डज, ओके, डू डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सिंपल, ओके। तो हम जो काम, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं सोता हूं, मैं नहीं सोता हूं, मैं नहीं उठता हूं, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ओके, समझ में आया, ठीक है। चलिए आई, अब आपको ये पता होना चाहिए, देखिए सब्जेक्ट डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने प्लस नॉट भी लगाना है, ठीक है, नॉट क्यों लगाना है, क्योंकि हम जो काम नहीं करते हैं, है ना, नॉट नेगेटिव में नॉट लगता है, नॉट कब लगेगा, डू और डज के साथ लगेगा, ओके, ठीक है। आई के साथ लगेगा हमारा डू, समझ में आया, आई के साथ क्या लगेगा, डू, फिर डज कहां लगेगा, डज लगेगा जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, है ना, ही होगा, शी होगा, अंकिता होगा, है ना, तब क्या लग जाएगा, डज, पहले यहां पे देख लो, नोट बाद में करना, पहले समझ लो, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हमेशा लगेगा डू, आई डू नॉट ईट फूड, ओके। अब जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा क्या होगा, वो ही, ही के साथ क्या आ जाएगा, डज, ही डज नॉट ईट फूड, है ना, शी के साथ क्या लगाएंगे, शी डज नॉट ईट फूड, ठीक है, आई प्ले, ठीक है, आई प्ले है, लेकिन इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा डू, ठीक है, आई डू नॉट प्ले, अंडरस्टैंड, ओके। तो अब हम इसके इंटरोगेटिव भी कर लेते हैं। अब इंटरोगेटिव होता क्या है, इंटरोगेटिव का मतलब है, मैं आपसे पूछता हूं क्या खाना खाती है, क्या तुम वहां जाती है, क्या तुम खेलते हो, है ना, अब क्या हो गया, ये मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस तरह के रूल देखते हैं,
इसमें आपने इंटरोगेटिव में क्या करना होता है, ये हो गया इंटरोगेटिव। ओके, इंटरोगेटिव में आपने क्या करना होता है, ये डू और डज है ना, इसको पहले लेकर के आओ। ओके, जैसे यहां पे आ गया आपका डू, तो फिर आ गया आपका डज, फिर आपके आ गया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंडरस्टैंड। ठीक है, तो बाकी सेम ही के साथ क्या लगेगा, शी के साथ क्या लगेगा, डज है ना। अब डू पहले आया तो मत, डज पहले आया तो डज ही है ना, डज ही ईट फूड, डज शी ईट फूड, समझ में आया। चलिए लगाते हैं, डू आई ईट फूड है ना, डू आई प्ले, डू आई रन, डज शी प्ले, डज शी रन। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा इंटरोगेटिव में आ गया। ओके, समझ में आया। चलिए एक बार रिवीजन कर लो फिर से, ठीक है। और अगर क्वेश्चन अगर इंटरोगेटिव में है तो ये साइन ऑफ इंटरोगेशन भी लगाना है, ठीक है, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है सबके सामने। ओके, साइन ऑफ इंटरोगेशन जहां भी लगा होता है इसका मतलब होगी कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको व्हाट इज योर नेम, आप फिर अपना नाम बताओगे है ना, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ उसके आगे क्या लगेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। ओके, तो ये था आपका सारा कंसेप्ट, फिर से रिवीजन कीजिए। प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट टेंस, हिंदी की पहचान, खाता हूँ, सोता हूँ, रोता हूँ, हंसता हूँ, ताते थी। ओके, फिर इसको हमने जब सिंपल में करना है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव में करेंगे तो आपका लगेगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और यस और ऑब्जेक्ट, एस और यस कब, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एस और एस नहीं यूज होगा। ओके, जैसे आई ईट, ही ईट, शी ईट। ओके, आई फिर नेगेटिव में करेंगे तो आई के साथ डू और डस, इनमें से एक चूज करना है, हमने डू, आई के साथ डू लगेगा, ही और शी के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डस लग जाएगा। ओके, तो आई डू नॉट, ही डज नॉट, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, नाउ वर्क है ना, प्ले, स्लीप, लाफ, ये क्या होगी, वर्ब की फॉर्म्स होगी। ओके, ये आपने वर्ब की फॉर्म्स मैं आपको दूंगा, आपने इसको लर्न भी करनी है, ठीक है, तो उसके बिना आपको ये टेंस करना मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है, वो आप नहीं कर पाओगे। तो इंटरोगेटिव में डू और डज पहले लेकर के आओ। ओके, डू डज पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, तो कल आपने इसके सभी बच्चों ने 10-10 वर्ब की फॉर्म के साथ ये एग्जांपल बना करके लानी है सारी, ठीक है। ये सभी कौन से बच्चे, फर्स्ट के बच्चे, सेकंड के बच्चे, थर्ड के बच्चे, ठीक है, पहले वाले बच्चों को हमने करा लिया, जो बड़ी क्लासेस में थे उनको आते हैं, और आपकी टर्न है, आपने भी उनसे बेटर सीखनी है, ठीक है, अच्छे से सीखने हैं, और उनके साथ कंपटीशन भी करना है आपने, समझ में आया। यस सर, नोट कर लो।